हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेकअप है वो है वेडिंग गेस्ट पार्टी वेयर मेकअप लुक विद ग्रे आईज, और बहुत ही क्विक होने वाला मेकअप है। तो आप देख सकते हो ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो आगे हम वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। फर्स्ट मैं ले रही हूँ लैक्मे का मॉइस्चराइज़र पीच मिल्क। तो आप देख सकते हैं मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा मस्ट है मेकअप के दौरान। देन नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये फेस ऑयल गुड वाइब्स का, और प्राइमर मैंने यूज़ किया है मालियो का। तो बहुत ही अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ऑल स्किन टाइप है, बहुत ही अच्छा है, फ्लिपकार्ट पे आपको ईजिली मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देन नेक्स्ट मैंने लिया है ये NYV का कॉन्टोर। तो आज हम कॉन्टोर से शुरू करते हैं अपना मेकअप, और सारा का सारा स्टिक फॉर्म का आज मैं बेस बना रही हूँ, आप देख सकते हो क्रीमी टेक्सचर के साथ। तो आपके पास ब्लश नहीं है तो आप लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। तो मैंने ली है ये लिपस्टिक पिंक शेड की, और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। सब चीज़ों को हमें अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि कुछ भी स्टिकी ज़रा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए सारा का सारा। देन दूसरा मैं ले रही हूँ ये कंसीलर। तो मेरे जितने भी हाईएस्ट पॉइंट हैं उन पे मैं कंसीलर यूज़ कर लूँगी, क्योंकि हमने इसमें आप देख सकते हो कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है, तो मैं कंसीलर का ही यूज़ करूँगी। और अपने जितने भी हाईएस्ट पॉइंट है सब पे मैं कंसीलर लगा लूँगी। देन उसको हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से, और सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो इजीली ब्लेंड हो जाता है, कोई भी नहीं है क्रीमी टेक्सचर वाले सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है। तो अच्छे से इन्हें ब्लेंड करेंगे। देन सबसे मस्ट होता है मेकअप के दौरान ब्लेंडिंग, तो हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ब्लेंडिंग अच्छा होगा तो मेकअप भी बहुत अच्छा आएगा। देन पाउडर से मैंने सेट कर लिया है ये NYV की। देन नेक्स्ट अब हम करेंगे आई मेकअप, और आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ ये सिवाना का पैलेट। आप देख सकते हो बहुत ही ब्लैकिश से ब्राउनिश से शेड है इसमें, तो मैंने एक ब्राउन शेड लेके अपने क्रीज लाइन पे इसे अच्छे से ब्लेंड किया है। और हमें हर चीज़ में मेकअप के दौरान ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा मस्त होती है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ लगाते हो तो ब्लेंडिंग ज़रूर कीजिए। और ये जो ग्रे शेड है उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया, क्योंकि मुझे इसे पॉप अप करते हुए ही दिखाना था। तो आप देख सकते हो उसके साइड में मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड यूज़ किया है। और अगर आप ग्रे आईज़ लगाते हो तो उसमें काजल जो है वो बहुत ही कम यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ग्रे और स्मोकी आईज़ पे काजल नहीं यूज़ होता है ज़्यादातर। तो अब मैं मार्स के पैलेट से अपने आईब्रो फिल करूँगी। आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट हो तो उसमें से भी आप अपने आईब्रो फिल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो वीडियो के दौरान मेरे हस्बैंड जो है मेरी छोटी छोटी सी रील्स बना लेते हैं, और हम फुल एंजॉय करके वीडियो बनाते हैं, आप देख सकते हो। बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ 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 मुझे सब सपोर्ट करते हैं मेरे घर में भी, तो आप भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो, और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ना। और आप देख सकते हो लैशेज मैंने यूज़ कर लिया है। देन फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का मस्कारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 150 रुपीज़ का मिलता है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद यूज़ की है मैंने एक लिप पेंसिल, उसके बाद यूज़ किया है मैंने मैट, जो कि बहुत ही ज़्यादा लिपस्टिक मुझे पसंद है, NYV की प्राइमर मैट लिपस्टिक। तो मैंने इसका फुल रिव्यू भी करा है, शेड जो है वो बहुत ही प्यारा है। अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यहाँ आई बटन में दे दूँगी, आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। और एक ये मैंने नया पैलेट लिया है आई मैजिक का ब्लशर हाइलाइटर विद पैलेट है, तो वो बहुत ही अच्छा है, बट थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है इसका। तो मैं इसका भी रिव्यू करना चाहूँगी ज़रूर से, क्योंकि अगर कुछ लोग ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो ये जो है पैलेट बहुत ही प्यारा है। इसके हाइलाइटर इतने नेचुरल ग्लो करते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो आप देख सकते हो। और मेरा मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, उसके बाद मैंने यूज़ किया है मेकअप फिक्सर। तो आप देख सकते हो अच्छा मेकअप आया। और अगर मेकअप फिक्सर आप यूज़ करते हो उसके बाद आप ब्लेंडिंग ज़रूर कीजिए। और थोड़ा सा लुक है पार्टी वेयर, तो मैंने अच्छे से हाइलाइटर लगाया है, और ये है मेरा फाइनल लुक।
आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.